आधे घंटे के अंदर अगर लाइट नहीं दी जाती है तो हम अभी रोड पे बैठ जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमारा किसान बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के कान पे जू नहीं रह रहा है। वो तुमको दलाल वाले जो नेता मिले होंगे, ये संगठन के यहाँ नहीं जान दे देंगे। अगर तहसील प्रशासन किसानों को उकसाने का काम करेगा तो हम यही जान दे देंगे। आप समस्या को हमें लिख के बता दो कि इसका समाधान आपके स्तर का नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन साहब हम नहीं आएंगे बात करने, आप सबका बात खोल करके सुन लीजिए भाई। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा और तहसील प्रशासन किसानों को उकसाने का काम करेगा, अगर तहसील प्रशासन किसानों को उकसाने का काम करेगा तो हम यही जान दे देंगे, लेकिन बगैर किसानों की समस्याओं का समाधान करें। आइए आइए, उससे रिलेटेड बात नहीं है। किसान हमने तहसील से लाइट जोड़ रखी थी किसानों के पंखे के लिए धरना स्थल पर, जिसको एसडीएम साहब ने वहां पर अपना कर्मचारी भेज के कटवा दिया, जिससे किसान उसका विरोध करने के लिए एसडीएम के चैंबर के समक्ष बैठा हुआ है। जब ये हमारी लाइट जुड़वाएंगे उसके बाद ही कोई वार्ता होगी। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे ज्ञापन में जो भी बिंदु है, हम प्रशासन से जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आप समाधान नहीं करते हो। या तो आप समस्या को हमें लिख के बता दो कि इसका समाधान आपके स्तर का नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, और अगर हमारी समस्या जिन्यून है, जायज है, आपके स्तर की है तो आप उसका समाधान कर दो। बीडीओ स्तर की समस्या है, एसडीएम स्तर की समस्या है, तहसील स्तर की समस्या है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमारा किसान बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। जबकि आप ही लोगों के माध्यम से हम लगातार खबरों में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कहीं पे एसडीएम साहब गाड़ी रोक के किसानों की समस्या का समाधान करते हैं, कहीं डीएम साहब गाड़ी रोक के किसानों की समस्या का समाधान करते हैं। समाधान दिवस चल रहा है, किस बात का समाधान दिवस है? उन्हीं मांगों को लेकर किसान सड़क पर बैठा है, किसान 5 दिन से आंदोलन कर रहा है। पूरे जनपद का कोई अधिकारी, तहसील का कोई कर्मचारी किसानों का हाल नहीं पूछने गया और बता रहे समस्या का समाधान हो रहा है। क्यों इस तरह से योगी मोदी की सरकार को बदनाम करना चाहते हो? अभी जल्दी ही चुनाव हुए हैं और 9 सीटों के जो चुनाव होने हैं इसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। ये अधिकारी इस सरकार को खा जाएंगे, मैं आपके माध्यम से योगी जी को बताना चाहता हूँ। आधे घंटे के अंदर ये मीडिया वाले भी हैं, आधे घंटे के अंदर अगर लाइट नहीं दी जाती है तो हम अभी रोड पे बैठ जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एसडीएम इकोना और तहसीलदार इकोना की होगी। इन्होंने धरना स्तर की लाइट कटवाई है। ठीक, चलिए आप छोड़िए बताए। एसडीएम साहब हम नहीं आएंगे बात करने, आप सबका कान खोल करके सुन लीजिए भाई। वो तुमको दलाल वाले जो नेता मिले होंगे, ये संगठन के यहाँ नहीं जान दे देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।